और जब मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया था तो मुझे ये पता था कि मुझे अपने नॉलेज को यूज़ करना है एंड एक सही डायरेक्शन में काम करना है। ये नहीं कि बस लगा दिया हम भी एक नॉर्मल किसान की तरह काम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मैं एक एग्रीप्रेन्योर हूँ, मैंने एक एग्रीकल्चर में एक बिज़नेस सेटअप किया है एंड मैं हमेशा उसी चीज़ को आगे लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी। मुझे कुछ महाराष्ट्र और गुजरात के फार्मर्स ने बोला कि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, तो मैंने कहा नहीं सर, मैं आप ही की तरह मेरी भी फार्मिंग चलती है, मैं इन चीज़ों में फार्मिंग करती हूँ, एग्जॉटिक चीज़ों में। एंड वो हैरान हो चुके थे उस टाइम कि ऐसे कैसे, आप तो इतने बच्चे जैसे दिखते हो एंड आप फार्मिंग कर रहे हो। एंड मैंने ब्लेज़र एंड ऑल पहना हुआ था तो उनको वही लग रहा था कि ये अफसर होंगी कोई। ऐसे मैंने ये काम करना शुरू किया था तो तब लोगों को ये डाउट रखता था कि पता नहीं कर भी पाएंगी कि नहीं, यहाँ पर लोकली सोचते कि पता नहीं किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, है ना, ये कैसे होगा एंड इसका कुछ खपत है कि नहीं है। बट आज की तारीख में बीच बीच में लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं कि दीदी हमें भी ये काम सिखाइए, है ना, हम भी, हमारे पास ज़मीन है तो हम ये काम करना चाहते हैं, अपनी इनकम को बेटर करना चाहते हैं। तो जब वो होता है ना तो एक लगता है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है कि हाँ थोड़ी तो सोच बदल पाई लोगों की। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अनुष्का जायसवाल ने। लखनऊ की रहने वाली अनुष्का जायसवाल की उम्र बहुत ही कम है, मेरे बगल में खड़ी है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मासूम सी मुस्कान है चेहरे पर, जो न तो किसान दिखाई देती है लेकिन इनके हौसले इतने बड़े हैं कि इन्होंने 3 साल के अपने एक छोटे से एक कार्यकाल में ही ये साबित कर दिखाया है कि उनमें हुनर भी है, हौसला भी है और एक जो पढ़े लिखे स्किल्ड फार्मर की काबिलियत के चलते एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने की क्षमता भी है। 3 साल पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से एक्जोटिक फार्मिंग में अपना हाथ आजमाया और आज देख सकते हैं कि इनके चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। 26 जनवरी को जब देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी देश के फार्मरों के बीच में अनुष्का को भी बुलाया गया तो उस दौरान वहां पर किसानों ने इन्हें किसान माना ही नहीं, क्योंकि न तो ये किसान जैसी दिखती हैं, न तो किसान जैसी बातें करती हैं और न ही इनकी शक्ल सूरत किसान जैसी है। अभी भी लोग यही मानते हैं कि किसान बनने के लिए हमें थोड़ा गरीब होना पड़ेगा, थोड़ा वैसा दिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लाचार होना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इस सोच को भी बदला है कि हमें किसान के लिए लाचार नहीं बल्कि हमें हुनरमंद होना ज़रूरी है, हमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना भी ज़रूरी है। आज इसी के बल पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 3 एकड़ का फार्म है और इस फार्म में इन्होंने एक्जोटिक फार्मिंग की है और अच्छा मुनाफा कमाया है। बगल में ही शिमला मिर्च की क्रॉप है, इस क्रॉप से भी इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया है और आज ये महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैंने खुद काफ़ी पढ़ाई की है, मैं अपने क्लास में टॉपर हुआ करती थी एंड देखिए मैं तो ये हमेशा मानती हूँ कि एजुकेशन आपको हमेशा बेहतर बनाती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। सिर्फ एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि बहुत आराम से हो सकता है, बहुत आसान सा काम है, बट ऐसा नहीं होता। आई थिंक ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब है ना, बिकॉज अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से अपने, एंड इसको अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रडिक्टेबल बना लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा अगर प्रॉबिबिलिटी सही बैठ जाए तो हम इसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी तभी कोई इंसान या कोई किसान यूज़ कर पाएगा जब उसको उस चीज़ की नॉलेज होगी, तो डिफरेंस वहीं आ जाता है। अगर हम देखें नॉर्मल किसान जो होते हैं हमारे, धान गेहूं कर रहे हैं, अब उनको अगर आइडिया हो कि क्या मौसम का किस टाइम ज़्यादा प्रभाव रहेगा, कब ज़्यादा वेदर पैटर्न्स बदलेंगे या तेज़ धूप पड़ रही है या गर्मी हो रही है, तो हम अपनी क्रॉप को थोड़ा प्लान कर सकते हैं बेटर तरीके से। तो जब मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया था तो मुझे ये पता था कि मुझे अपने नॉलेज को यूज़ करना है एंड एक सही डायरेक्शन में काम करना है। ये नहीं कि बस लगा दिया
या हम भी एक नॉर्मल किसान की तरह काम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मैं एक एग्रीप्रेन्योर हूँ, मैंने एक एग्रीकल्चर में एक बिजनेस सेटअप किया है एंड मैं हमेशा उसी चीज़ को आगे लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी। एक एग्रीप्रेन्योरशिप एक नया टर्म आ गया है एंड जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ये यूज़ करते हैं एज इन कि हमने एक एग्रीकल्चर को अच्छा बिजनेस डेवलप कर दिया है। हम एक बेचारेपन की तरह काम नहीं करना चाहते, जो हम लोग सोचते हैं कि किसान को हमेशा नुकसान होता है या वो उसके साथ हमेशा गलती हो रहा है। हो रहा है, कुछ लोगों के साथ है दिक्कत, उनको नॉलेज नहीं है। बिकॉज दिक्कत वही है कि अगर हम नॉलेज नहीं देंगे उनको तो हम कैसे काम करेंगे। तो आई थिंक वही बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड आप इस चीज़ को थोड़ा प्रमोट कर लेंगे, लोगों को सही नॉलेज देने लगेंगे। अभी आज भी मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं किसी किसान को सही चीज़ें बताती हूँ कि आप इस चीज़ को इस तरह से करो, है ना, अनवांटेड पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है इतनी, है ना, तो वो आपकी खेती को बेहतर बनाएगा, उसकी कॉस्टिंग कम होगी। वो अगर सही टाइमिंग पे क्रॉप प्लान करेगा उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे हम सूटेबल बना सकते हैं अपनी क्रॉप के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और जितना मैं जानती हूँ कि अगर मैं जैसे कहूँ कि मैं सब्जियों में ही जाती हूँ, ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स करती हूँ, एग्जॉटिक्स में डील करती हूँ मैं मोस्टली, तो ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मुझे उस चीज़ की नॉलेज मिली, है ना। मैंने उस चीज़ के बारे में पढ़ा कि हम उस चीज़ को कब अपने वेदर पैटर्न के साथ अलाइन करके क्रॉप ले सकते हैं एंड हमारा मार्केट उस टाइम कैसा होगा। तो हमारी मार्केट वैल्यू से लेके अगर इतना सेंसिबल किसान बन जाए या उसको उस चीज़ की नॉलेज दे दी जाए तो आई थिंक खेती में बहुत आगे जाया जा सकता है। एंड लोग ये चीज़ फैसिलिटेट करने के लिए हम लर्नड लोग ही इस चीज़ में अगर आगे आए तो आई थिंक ये और बेहतर हो सकता है करियर। अच्छा, किसान आपको अब किसान मानने लगे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे मुझे किसान। किसान नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे तो हो ही नहीं पाए। बल्कि मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ जितने वर्कर्स हैं, है ना, वो सब कहीं ना कहीं हम लोग सीख रहे होते हैं उन सब से। तो मेरा नॉलेज तो है, मैंने अपना कम टाइम में ये काम शुरू किया था, बट आई थिंक मैंने काफ़ी तो इतना लोकल से भी सीखा है। तो हमारे यहाँ जैसे वर्कर्स आते हैं, उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जब वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो आई थिंक दैट इज़ वेयर वी मेक अ बेटर बेंचमार्क। हमारी क्रॉप बेहतर हो जाती हैं। कुछ बोलते हैं ना कि कुछ जुगाड़ू सिस्टम्स काम करते हैं, कभी आपकी नॉलेज काम करेगी, कभी आपके जुगाड़ काम करेंगे। तो उसी तरह से हमारा भी काम चलता है। तो यहाँ पे लोगों का ये बहुत है कि जैसे मैंने ये काम करना शुरू किया था तो तब लोगों को ये डाउट रहता था कि पता नहीं कर भी पाएंगे कि नहीं, यहाँ पे लोकली सोचते कि पता नहीं किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, है ना, ये कैसे होगा एंड इसका कुछ खपत है कि नहीं है। बट आज की तारीख में बीच बीच में लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं कि दीदी हमें भी ये काम सिखाइए, है ना, हम भी, हमारे पास ज़मीन है तो हम ये काम करना चाहते हैं, अपनी इनकम को बेटर करना चाहते हैं। तो जब वो होता है ना तो एक लगता है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है कि हाँ थोड़ी तो सोच बदल पाई लोगों की, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती से कुछ अलग करके करना चाह रहे हैं एटलीस्ट, है ना। अभी जितना वो कर रहे हैं कर रहे हैं, बट एक चाहत का वो जो अंदर आ गया है ना कि नहीं आप कोशिश तो करते हैं, तो वो चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक वो 3 सालों में काफ़ी लोगों में वो बदलाव आया है। तो लोग देखते हैं, लोग रुक के इधर फार्म पे रोक के देखते हैं कि अच्छा ये कैसी खेती हो रही है, तो बहुत ही अलग है यहाँ पे तो देखा ही नहीं है काम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद अनुष्का जायसवाल के मन में किसी कॉरपोरेट में नौकरी करने का सपना नहीं था, बल्कि सपना था कि वो एक सफल किसान बने। सिर्फ सपना ही नहीं देखा, उसे पूरा भी करके दिखाया। अनुष्का की माँ को अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। इसने मुझे किचन गार्डन से ही शुरू की, मुझे भी शौक था, इस तरह पेड़ों का शौक था, लेकिन बिजनेस के तौर पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े पैमाने पे ये काम कर लेगी। घर में ही किचन गार्डन का शौक था, हम माँ बेटी करते थे, बस इसका मन बदला और इसने बोल दिया कि मुझे तो मम्मी ये करना है। तो जब इसने बोल दिया तो आपने रोका नहीं? नहीं नहीं, मैंने किसी बच्चे को नहीं रोका, और सब बच्चों ने अपना ही अपने आप ही अपना कैरियर चुना। मेरा इसमें कोई वो नहीं है कि हमने बताया इसे कि ऐसे करना है ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो आज जिस पायदान पे पहुंच चुकी है, जिस लेवल पर अनुष्का है, जी जी, आपको देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इतने लोग आते हैं, इतने लोग तारीफ करते हैं, हमें भी मतलब अच्छा लगता है सुन करके कि चलो जिस लाइन में भी गई, नाम कमाया, अच्छा किया और प्रॉफिट भी लाई, और पहली बार ही लाई। ऐसा नहीं कि पहली बार की तो डगमगा गई, कुछ गड़बड़ हो गया इससे, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
अनुष्का आज लखनऊ के मोहनलालगंज में 6 एकड़ के किराए के खेत में एग्जॉटिक फार्मिंग कर रही हैं। पहले साल उन्हें 12 लाख का प्रॉफिट हुआ तो दूसरे साल ये बढ़कर 35 लाख तक पहुंच गया। वहीं अब तो अनुष्का के हौसले भी बुलंदी पर हैं। देखिए, जब मैंने पहले साल शुरू किया था तब मैंने 1 एकड़ से शुरू किया था, है ना। तो आज तो मैं 6 एकड़ में कर रही हूँ, है ना, 3 साल में। तो जब मैंने शुरू किया था मेरे पास सिर्फ एक पॉली हाउस था जहाँ मैं काम करती थी, एंड उसमें से हम लोग ने करीबन 32 लाख की 1 एकड़ से सेल की थी, है ना। 1 एकड़ से 32 लाख की सेल हुई थी। तो अब जब मैं देखती हूँ तो हमारा ऑल इन एवरेज ये मान के चलिए कि हमारा 40 से 45 लाख रुपये साल का बचता है बहुत आराम से, इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियोस कि हम इतना निकाल लेते हैं अपने फार्म से। एंड तो हमारी इनकम अच्छी है अभी, इस टाइम तो अच्छी चल रही है। एंड इसमें खर्च भी हमारा करीबन आ जाता है 40-40 लाख तक का खर्च भी आ जाता है हमारा साल में 6 एकड़ में। एक सीजन निकल गया, इसको रवि का सीजन कहते हैं। अब दूसरा जो सीजन आएगा, तो आपने अभी अभी तक जो एग्जोटिक प्लांट लगाए थे जी, लेकिन अब क्या आपका नेक्स्ट? मैं अभी फिर से एग्जोटिक्स पे ही जा रही हूँ, बट मैं उसको भी थोड़ा सा क्या करूँगी ओपन में, मैं थोड़े से टेम्परेरी स्ट्रक्चर से शुरुआत करूँगी। एंड अभी भी मैं लेटेस एंड ऑल लगाऊंगी, इवन इन समर्स आई विल डू इट इन ओपन ओनली। एंड बस इतना ये होगा कि उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लेटेस भी करेंगे, जुकिनीज भी करेंगे, है ना, और कैबेज भी कर रहे हैं फिर से हम लोग, रेड कैबेज जो है हमारा वो भी हम करेंगे। प्लस हम लोग ने पार्सली एंड बेजल भी किया है, वो हमने थोड़ा पॉली हाउस में लगा दिया है, है ना। तो हम क्रॉप को मैनेज कर लेते हैं। प्लस इसके बाद हम लोग अभी 1-1.5 महीने में हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, वो हम फैन पैड स्ट्रक्चर बना रहे हैं पॉली हाउस का, जिसमें हम ईयर राउंड अभी शुरू कर देंगे लीफी वेजिटेबल, जितने भी सैलड्स हैं, पॉकचो एंड ऑल वो लेना, एंड वो ईयर राउंड हाइड्रोपोनिक्स में हम कम्प्लीट शुरू करेंगे अब। तो वो हम कर रहे हैं, प्लस हम नर्सरी का सेटअप लगा रहे हैं, बिकॉज यूपी में एक बड़ी ही दिक्कत है, हमें अच्छी नर्सरी नहीं मिलती है प्लांट्स की, है ना। तो जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, टोमेटोज हो गए, ये सब हो गए, या लीफी वेजिटेबल्स हो गई, इन सबकी नर्सरी अच्छी डेवलप नहीं हो पा रही है, एंड किसानों को बहुत नुकसान होता है इस चीज़ में, हर साल हो रहा है। तो हम लोग अपनी नर्सरी की करनाल तक जाते थे अभी तक, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का नुकसान है, कभी कुछ इशूज़ आ रहे हैं। अब मैंने अपना ये स्ट्रक्चर डाल दिया है, एंड अब से हम उस चीज़ में भी काम कर रहे हैं। तो इनफैक्ट अभी हम मस्कमेलन भी करेंगे, इस टाइम हम मस्कमेलन भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ट्राई करते हैं। एंड देन वी आर डूइंग स्प्रिंग अनियंस ऑल्सो इस टाइम, हम लोग वो उसका अच्छा मार्केट चलता है हमारा, तो हम लोग ये सारी चीज़ें अब ट्राई करेंगे। जब इंटरनेशनल वोमेंस डे मनाया जाएगा तो उस मौके पर भी इन्हें याद किया जाएगा। इसलिए याद किया जाएगा कि इतनी कम उम्र में इन्होंने जो किसान बनकर एक प्रेरणा दी है और काबिले तारीफ है। थर्मेन सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।